नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं विनिशय न्यूज। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है, ये कुछ शब्द बड़ा महत्व रखते हैं। इस बात को एक बार फिर सही साबित किया है रोहिणी के सम्यक जैन ने। सम्यक की आंखों की रोशनी कम है, लेकिन फिर भी सम्यक यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा पर दूसरी बार में ही विजयी पा चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सम्यक ने इस परेशानी के बाद भी परीक्षा को पास करने के पीछे का क्या राज बताया। सम्यक जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की और ऑल इंडिया एयर सातवीं रैंक भी हासिल की, उनके आईएएस अफसर बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है। तो हमें सम्यक जैन ने बताया कि वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उनके शुरुआती स्कूलिंग सामान्य रही। देश भर में मार्च 2020 में जब प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की घोषणा की, तब सम्यक के मन में यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का विचार आया। पहले प्रयास में वो असफल रहे, लेकिन इस बार दूसरे प्रयास में सफलता पाकर वो बेहद खुश है। समय कहते हैं कि मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी सिंगल डिजिट में इतनी अच्छी रैंक आई है। इस परीक्षा के बारे में मैंने जितना सोचा था मुझे उससे भी ज्यादा मिला। सम्यक जैन दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं। 20 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो गई थी और फिर धीरे धीरे उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो गया। बावजूद इसके उनका हौसला कम नहीं हुआ, उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL यानी कि ओपन से इंग्लिश ऑनर्स की में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद IIMC से इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स किया। इसके बाद JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में MA की डिग्री हासिल की। सम्यक जैन ने 2020 में भी UPSC की परीक्षा दी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2021 में एक बार फिर UPSC की परीक्षा में शामिल हुए। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने सातवीं रैंक हासिल की। सम्यक जैन आंखों से कमजोर, इसके बावजूद उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और यूपीएससी की परीक्षा पास की। रिजल्ट आने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं रिजल्ट देखकर बेहद खुश हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी सिंगल डिजिट में इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे सपने सच हो गए हैं। इस परीक्षा के बारे में मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा मिला। मैं इतना खुश हूँ कि अपनी भावनाएं शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता। सम्यक ने इस सफलता का बड़ा श्रेय अपने परिवार को, खासतौर पर अपनी माँ को दिया है। सम्यक ने बताया कि यूपीएससी के नियमों के मुताबिक परीक्षा में उन्हें उत्तर लिखने के लिए लेखक की आवश्यकता थी और ये आवश्यकता सम्यक की माँ वंदना जैन ने पूरी की। यानी सम्यक प्रश्नों के उत्तर बोलते थे और उनकी माँ इन उत्तरों को आंसर शीट पर लिखती थी। सम्यक के पिता एयर इंडिया में कार्यरत है। आज की हमारी वीडियो बस इतना ही। अगर आप भी सम्यक जैन की इस स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।